सब को मेरी राम राम जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा, सीता राम, जय महाकाल, सत श्री अकाल जी सबको। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो जी यहाँ पर हो गई है मॉर्निंग। कल गए थे शादी में, बहुत थक गए थे। अभी मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, गला भी बैठा बैठा है। और थोड़े से मैं क्लिप दिखाऊंगी आपको शादी के भी। यहाँ कल गए थे तो थोड़ा सा देखना, कल वहाँ था शिव विवाह, उसमें आप भी थोड़ा सा एंजॉय करिएगा, दर्शन करिएगा, देखना ज़रूर पूरी वीडियो। सो यहाँ पर अभी मैं उठी तो उठ करके चाय वाय पी के किचन साफ़ की, क्योंकि उन्होंने जो मेरी हाउस हेल्पर हैं उन्होंने किए हुए हैं व्रत नवरात्रि का। तो मैं सोचती हूँ कि झाड़ू पोछा तो उनको करना ही है, लेकिन उन पर ज़्यादा बोझ ना डाला जाए तो किचन मैं खुद ही साफ़ कर लेती हूँ। आजकल कल भी मैंने कर ली थी, आज भी कर ली थी, कर रही हूँ। और अब नवरात्रि तो थोड़ा सा उनसे नहीं करवाऊँगी, क्योंकि उन्होंने सारे नवरात्रि रखने हैं। सो इसलिए खुद ही थोड़ा थोड़ा करते रहो। और वैसे भी मैं करते रहती हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ा ही हुआ है। मैं बीच बीच में अपने काम खुद भी करती हूँ, डस्टिंग वगैरह भी वो एक हफ्ते बाद करती है, लेकिन मैं बीच में जब मेरे को लगता है गंदा तो मैं खुद भी कर लेती हूँ। तो सोचो जी, किसी के उस पर भी नहीं रहना चाहिए, डिपेंड नहीं रहना किसी के ऊपर, अपना काम खुद भी करना ही चाहिए। वो तो मैंने इसलिए रखा हुआ है कि चलो कभी नहीं मन किया है तो ये डीपली कर देंगी हफ्ते बाद जो डस्टिंग करती हैं। वैसे तो डेली ही होती है, थोड़ा थोड़ा तो रोज़ साफ़ सफाई होते ही रहती है। कभी इधर से थोड़ा लगा गंदा तो पोछ दो, साफ़ सफाई कर दो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ तो कुछ पता नहीं, मेरे को कुछ कवर सा मिला था, उस पर कुछ लिखा हुआ था तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सोच रही किस चीज़ का ये निकला, तो मैं इसको संभाल कर रख लूँ, कहीं किसी चीज़ का होगा तो फिर बाद में समझ आएगी। अब समझ नहीं आ रही थी कि वो किस चीज़ का है कवर, तो मैंने वो उसको संभाल करके रख दिया है। बाकी जी गर्मी अभी भी उतनी है, शरद नवरात्रि हैं लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल हम लोग वहाँ गए ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी बाहर, मतलब कूलर भी लगे हुए थे, पंखे भी लगे हुए थे, लेकिन गर्मी तो अपनी हद पे है ही। तो फिर हम आते आते हमें बज गए थे 9:30-9:45 हो गए थे। तो कल भी मेरे को इतनी जल्दी थी वहाँ से, लग रहा था कि जल्दी जाएँ घर, क्योंकि जोत भी जगानी थी, जोत बत्ती करनी होती है घर आ करके। अंधेरा मतलब घर में नवरात्रि का टाइम, ऐसे कोई और नॉर्मल डे होते हैं तो नहीं भी जगाओ तो चलो कभी कभी भगवान से माफ़ी मांग लेते, लेकिन कलश रखा हुआ तो जोत जगानी बहुत ज़रूरी है। अखंड जोत मैं इसलिए ही नहीं जगाती हूँ क्योंकि अखंड जोत जगाने में ये होता है कि आप कहीं पीठ नहीं दे सकते, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो इसलिए मैं अखंड जोत नहीं जगाती हूँ कभी भी। तो मैं सुबह शाम ही मतलब ज़्यादा घी डाल के कि बहुत देर तक जलते रहे ऐसी जोत जगाती हूँ। सो फिर आए आकर के हाथ पैर धो करके कपड़े कपड़े चेंज कर करके उसके बाद फिर हमने घर में आके जोत जगाई। तो उधर दीदी के यहाँ भी ऐसा ही था, उन्होंने भी आकर के ही किया, तो मेरे को हड़बड़ी वहाँ से लगी हुई थी कि जल्दी से घर जाएं और घर जा करके जोत बत्ती करें। तो फिर नींद भी इतनी, मतलब परसों एक दिन पहले नींद नहीं आई थी। नींद की प्रॉब्लम आप लोग बोलोगे कि हमेशा बताती रहती, लेकिन क्या कहूँ, मतलब कभी कभी हो जाता है कि कभी कभी क्या, हमेशा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि नींद नहीं आती है, तो एक दिन नहीं आएगी तो दूसरे दिन फिर अच्छे से नींद आएगी। तो जैसे मैंने जोत वगैरह जगाई उसके बाद फिर मैं लेट गई, फिर मुझे कोई होश नहीं, मैं सुबह उठी हूँ। तो ये है, कभी आ गई कभी नहीं आई। तो यहाँ पर फिर मैं अंदर भी चली गई, तो मैंने सोचा सारी जगह थोड़ी थोड़ी कर देती हूँ सफाई। तो बस यही है, अब आगे आप थोड़ा शादी का एंजॉय करना। यहाँ पर आ गई हूँ मैं रूम में, रूम वाला भी मुझे कल नहीं हो पाया था मेरे से, तो मैंने सोचा आज इसको कर दूँ। यहाँ मैं डेली करती हूँ क्योंकि यहाँ मैं बैठती हूँ, तो जहाँ बैठो तो वहाँ ज़्यादा दिखते भी रहता है घर गंदा, कुछ भी चीज़ गंदी दिख जाती है, तो फिर लगता है कि नहीं जल्दी से इसको साफ़ सफाई कर ले। तो मुझे स्विच बोर्ड थोड़ा सा गंदा लगा, तो मैंने सोचा आज इसको थोड़ा रगड़ के साफ़ कर दूँ। और मैंने एक ऊपर वॉल पे ना हैंग किया हुआ था कुछ, तो यहाँ पर वो हैंग किया हुआ था वो उतारा, उसके बाद वहाँ पर देखा ना उसके नीचे काला काला सा हो गया था, तो फिर मैंने उसके उसमें भी वहाँ पर भी यही इसी से साफ़ कर दिया, क्योंकि हमने वाइट वॉश करवाया हुआ है जो
ये ऐसे साफ़ करके हो जाता है, इसको आप गीले कपड़े से साफ़ कर दो तो ठीक, मतलब सफाई हो जाती है। तो वो मैं कल परसों से ही देख रही थी, यहाँ हैंग कुछ टांगा हुआ था, तो जहाँ जहाँ वो टांगा हुआ था उस जगह पे काला काला था। मैंने सोचा चलो इसको भी अब साफ़ सफाई कर देते, क्योंकि जब फिर बाद में देखा, कभी कभी करते करते भूल जाते हैं ना कि कहीं गंदा है, तो जब फिर बाद में नज़र पड़ती है फिर लगता है कि अरे यहाँ भी करना था। साफ़ सफाई मेरी अब हो गई है, अब आ जाएंगी दिवाली, दिवाली आएगी तो फिर साफ़ सफाई में लग जाओ, फिर तो मैं इनको साथ लगा के करवाऊँगी साफ़ सफाई, क्योंकि ऊपर नीचे सारे साइड मेरे फैन वगैरह भी गंदे हुए पड़े हैं। तो मैं सोच रही थी अभी दिवाली में एक ही बार करवाऊँगी। सो जी, यहाँ पर आज मैंने प्लांट भी मेरे बहुत दिन हो गए थे जो, जिसमें मैंने पानी वगैरह नहीं डाला हुआ था, मैंने सोचा इसमें भी पानी डाल दूं, क्योंकि गंदे सूखे सूखे दिख रहे थे। ये मैंने भिगोए हुए थे बादाम और अखरोट, तो उसका पानी गंदा सा हो गया था, मैंने सोचा उसको मैं साफ़ पानी भर के रख दूं, नहाने के बाद ही फिर मैं कुछ खाती हूँ, पहले नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं इसको एलोवेरा जेल लगाई हुई है और एक ये लगाया हुआ स्नेक प्लांट, तो ये बहुत सूखा सूखा सा लग रहा था, तो इसको भी मैंने पानी भी दिया और ऊपर से धोया भी। आप फुल वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा शादी जहाँ कल फंक्शन में गए थे वहाँ का भी थोड़े क्लिप डाले हुए हैं। सो आप देखिएगा ज़रूर फुल वीडियो, और आपको वीडियो कैसी लगती लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। अब मैं ये वीडियो डालूं कोई पता नहीं, गुड मॉर्निंग बोलने वाली कोई बात नहीं। अभी फिर जा रहे हैं हम लोग शादी में, शादी में आज है, कल था रोका और सेरेमनी, रिंग सेरेमनी, कल शगुन और रिंग सेरेमनी थी। रोका तो पहले हो चुका था 6-4 महीने पहले, और आज शिव विवाह है और फिर परसों की शादी है, और 3-4 दिन में आपको यही ब्लॉग दिखाऊंगी शादी वाले। सो आप बने रहिएगा, एंजॉय करिएगा शादी का। सो इसके साथ ही मैं अभी इसके साथ नहीं, मैं बाद में बोलती हूँ इनके साथ।
मुंह में मैंने ना कैंडी डाल रखी इसलिए आपको लग रहा होगा। अभी मैं दीदी की वेट कर रही हूँ, वो लोग आएंगे गाड़ी लेके, फिर चलते हैं और उसके बाद फिर वहाँ का जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। सेटिंग में मुश्किल होगी। हेलो, आज हम जा रहे हैं शिव विवाह आप कहाँ जा रहे हो मैडम जी? हम जा रहे हैं शादी में जलंधर अपनी बहन के घर। पहले शिव विवाह होगा, फिर उसके बाद शादी, शादी दूसरे बच्चों का विवाह होगा। पहले शिव विवाह होगा। और मेरा सोना बच्चा कहाँ जा रहा है? इधर देखो, थोड़ा सा देख लो कहाँ जा रहा है। थोड़ा सा देख लो, ये रूठा हुआ है मेरा बेबी। और एक ये है तलंगूमल। और जा रहे हैं अभी हम, बाकी पहुंच के करेंगे। ये बाईपास में आ गए ना। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो जी आप भी? जलंधर, जैसे कि आपने बताया वैसे ही हम भी बता रहे हैं, जा रहे हैं जलंधर। और जलंधर है हमारी दीदी के यहाँ शादी का फंक्शन। शादी का फंक्शन, चलो मिलते हैं आपको छोटे छोटे ब्रेक के बाद। दरबार की आजकल भी इस कलयुग के जमाने में यही हाल है, जिसके घर में बेटी जवान हो जाती है उसके माता पिता को नींद नहीं आती है। कन्या की शादी का इंतजाम करो, पंडित जी को सब दो। पंडित गंगाराम जी, राम राम जी। पंडित जी, शादी गोर से पहले यानी थी, उनकी श्यानी हो गई है। कितने साल की हो गई? 5 साल। अच्छा, पिछला बेटी है मेरा ये गोरा, 5 साल की हो गई, इसकी कड़वाई करके आओ। गोरा 5 साल की, मुंडा कितने साल का देखना? 60 साल का नहीं, तेरा 60 साल का तो देखो, बूढ़ा देखेगा। 60 साल। इस पार्वती का रंग ऐसा है, मेरी पार्वती का जैसे चंद्रमा की रोशनी है। हाँ जी, इतना सुंदर देखना, इतना सुंदर एक तरह देखना चाहे पुटका। बम बम बोले तो पंडित जी कड़माई करने जाते हैं। कैसी कड़माई करने गए? एक करती आए छुहारा, एक करती आए छुहारा, एक करती आए छुहारा, एक आए छुहारा, जय जय का राम राम बनाना, जय जय का राम राम बनाना, हो गया बनाना, हम हेर करेंगे। भोले बाबा मेहर करो जी, जय जयकारा भय बनाना, जय जयकारा भय बनाना, जय जयकारा भय बनाना। हम भोले भंडार भरेंगे। अब पंडित जी कड़माई करने गए। पंडित जी ने सारा संसार घूमते, सारा संसार घूमते घूमते पूरे 12 महीने हो गए। कितने महीने हो गए? 12 महीने। जय जयकारा भय बनाना, जय जयकारा भय बनाना, रस्ते में जल गया ब्राह्मण, जल गया ब्राह्मण, हो गया ब्राह्मण, गोरा माई जी रेल बनावे, गोरा माई जी रेल बनावे, सारी संगत रेल बनावे, सारे संगत रेल बनावे, बेल बनावे, जय जयकारा भय बनाना, जय जयकारा भय बनाना, गोरा जी की रेल करावे, गोरा रानी की रेल करावे, रेल बीच में देर भी है, गोरा माई की बेल बनावे, गोरा माई की बेल बनावे, देवी रानी ने बेल बनाई, बम 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 लहरी में से झुकावे संसार बाबा जी, खुशी से झुकावे संसार बाबा जी, प्यारा सदा है दरबार बाबा जी, किसी ने वो बोली तेरा नाम पुकारा, जय जयकार बाबा जी, प्यारा दरबार
तो पंडित जी बह जाते हैं। गौरा माता ब्राह्मण को कलयुग की गल्लां दसती है, जो आज कलयुग का जमाना इसमें ले पर हम आ गए थे अंदर में, गर्मी लग रही थी तो अंदर आकर के बैठ गए थे उनके घर में। तो बस सब कोई बातें कर रहे थे, जो बहुत दिनों बाद मिलते हैं उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, सब कोई एंजॉय कर रहे थे। तो इधर मुंह कर रहे हो, ये जो बने थे गौरा पार्वती और शिव जी, उनको घर में फिर फेरी डलवाई, घर में घुमाया गया तो सब ने उनको प्रणाम किया। छोटे छोटे बच्चे बनाए हुए थे तो उनको शगुन वगैरह दिया। ये हमारी बेटी की शादी थी, इस बेटी की जो उनको प्रसाद दिला रही है। इसके साथ ही वीडियो को करेंगे एंड, वीडियो आपको कैसे लगी लाइक शेयर। अब इसको पकड़ में भी मत्था टेक और चेन गिर गया जिन्होंने सब्सक्राइब किया।